नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत शर्मा नव भारतीय परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम संस्कृत व्याकरण में वर्णों की व्यवस्था को जानेंगे कि वर्ण क्या है, वर्ण कौन कौन से होते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम जानेंगे। आइए देखते हैं वर्ण सबसे पहले क्या है। वर्ण ना दोस्तों, तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण दो तरह से होते हैं। वर्ण कौन कौन से होते हैं? स्वर और व्यंजन, दो तरह से होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है ना दोस्तों, देखो व्यंजन स्वर वर्ण कौन कौन से होते हैं? स्वर वर्ण हमारे संस्कृत में, सामान्य संस्कृत में स्वर वर्ण री इसके बाद में ए आई आई ओ औ है ना दोस्तों। अब इनकी संख्या कितनी होगी गिनते हैं अपन, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह। ठीक है ना दोस्तों, तो इस स्वर वर्णों की संख्या कितनी है हमारे संस्कृत में, वो है तेरह। ठीक है ना दोस्तों, स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? तेरह। अब देखते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण ठीक है ना दोस्तों, तो क से लेकर के और यानी कि वह तक, यानी कि क ख देखो दोस्तों, क ख ग भ भ प्रणाम ज छ ज छ य ट ठ ड ढ ण। ठीक है ना दोस्तों, त ठ द ध न प फ ब भ म य र ल व। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में स स ह स स स और कौन सा हो गया दोस्तों? हा। ठीक है ना, तो क से लेकर के ह तक के क्या है हमारे सामान्य व्यंजन वर्ण को कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, इनकी संख्या कितनी हो गई? इनकी संख्या कितनी हो गई दोस्तों? देखो यानी कि पाँच 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 और इनकी संख्या कितनी है? चार। और इनकी संख्या कितनी है? चार। तो 25 और चार 29 और चार 33। ठीक है ना दोस्तों, अब अपन देखते हैं कि स्पर्श वर्ण कौन से हैं, यानी कि स्पर्श वर्ण कौन से हैं। तो स्पर्श वर्ण दोस्तों आते हैं क से लेकर के और म तक, क से म तक। ठीक है ना, तो क से म तक के कितने वर्ण हो गए दोस्तों? पांच 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 25। यानी कि क से लेकर के जो म तक के जरूरी वर्ण है, ये 25 वाले जो हैं, ये वर्ण कौन से हैं? ये वर्ण स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। ठीक है ना दोस्तों, इनको क्या कहेंगे हम? स्पर्श वर्ण।
वर्ष वर्ण, ठीक है ना। अब इसके बाद में अपन देखते हैं कहां पे पहुंच गए, स्पर्श वर्ण, फिर इसके बाद यर अलव, यानी कि ये कौन से वर्ण है, यर अलव कौन से वर्ण है दोस्तों, ये है यर र ल और ब, ये कौन से वर्ण दोस्तों, ये है अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण, ठीक है ना दोस्तों, अंतस्थ वर्ण है। अब इसके बाद में क्या बचा, श श श, तो इनको क्या कहेंगे, स श और श, और इसके बाद में क्या है, हा, ठीक है। इन चार वर्णों को क्या कहेंगे दोस्तों, हम इनको कहेंगे हम ऊष्मा वर्ण, ऊष्मा वर्ण, ठीक है ना दोस्तों। अब हमारे क्या बच गया, अब हमारे बचा है यानी कि छत्र ज्ञा, ठीक है ना दोस्तों, छत्र ज्ञा, छत्र और ज्ञा, इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण, ठीक है ना दोस्तों, संयुक्त वर्ण कहेंगे। तो हमने जान लिया स्वर कितने हैं हमारे संस्कृत में, 13, ठीक है। इसमें से अगर प्रश्न पूछ लेता है एग्जामिनर के मूल स्वर कौन से हैं, तो आपको क्या कहना है, मूल स्वर हमारे होते हैं आ आ, मूल स्वर, ठीक है ना दोस्तों। अब मूल स्वर में अगर प्रश्न पूछ लेता है तो मूल स्वर अपन को बता दें आ ई ऊ री और ली, ठीक है ना दोस्तों। अगर एग्जामिनर मूल स्वर पूछ लेता है तो अपन को मूल स्वर, मूल स्वरों की संख्या कितनी है, 5, ठीक है। और फिर भी वो एक और चीज पूछ लेता है के मूल संयुक्त स्वर कौन से हैं, तो अपन को बता देना है संयुक्त स्वर में, संयुक्त स्वर में अपन क्या बताएंगे, ए आई ओ और औ, ये कितने हैं इनकी संख्या, 4, तो इनके चार कौन से हो गए, यानी कि ये चार हुए संयुक्त स्वर, ठीक है ना दोस्तों। अपन को स्वरों के बारे में जानकारी होगी। अब व्यंजन की ओर चलते हैं, तो व्यंजन कौन से हैं, क से लेकर के और ह तक के, उसको हम व्यंजन मानते हैं, क से ह तक क्या मानते हैं, व्यंजन मानते हैं, ठीक है ना। तो कितने वर्ण होंगे क से ह तक, 5, 10, 15, 20, 25, 29, 33, तो कितने हो गए दोस्तों, ये 33 हमारे व्यंजन हो गए। उसके बाद में पूछ रहे स्पर्श वर्ण, तो स्पर्श वर्ण हमारे कितने हैं, 25 हमारे स्पर्श वर्ण बताए हैं, वो कौन कौन से, क से लेकर के और म तक, ठीक है ना दोस्तों। अब उसके बाद में और भी कुछ पूछ सकता है, जैसे यानी कि कौन से वर्ण है, तो इनको हमें क्या बताना है, अंतस्थ वर्ण है, और स श श ऊष्म वर्ण हमारे वर्ण व्यवस्था में कहे गए हैं, और संयुक्त वर्ण जो पूछ रहे तो हमारा कौन सा है, छत्र और ज्ञ, छत्र ज्ञ, ठीक है ना दोस्तों। ये हमारे वर्णों की संख्या मतलब हो गई। अब इसके आगे हम और भी मतलब हमारे सिलेबस में जो है उच्चारण स्थान है, तो हम उच्चारण स्थान पढ़ेंगे। जैसे हमारे सिलेबस में उच्चारण स्थान 7 बताए गए, देखिए दोस्तों उच्चारण स्थान हमारे कितने हैं, 7, ठीक है ना। तो अब टू के सर के नाम कंठ, दूसरा हमारा कौन सा है, तालु, तीसरा हमारा कौन सा है, मूर्धा, चौथा हमारा कौन सा है, दंतः, पांचवा हमारा कौन सा है, ओष्ठः, छठा कौन सा है, नासिका, सातवा कौन सा है, जिभ्यमूल। अब बाकी जो हम सामान्य में बताते हैं, जैसे ओ दो तो कंठ तालु, ए दो तो कंठोष्टम, बकारस्य दंतोष्टम, है ना, और अनुसारस्य नासिका च, है ना। तो ये बाकी हम आगे इसको समझाने के लिए कहा, जो हम 11 बता देते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अब इनके उच्च
उच्चारण जो स्थान है उनके बारे में हम जानकारी कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कंठ का उच्चारण स्थान है अकूह विसर्जनिया नाम कंठ, यानी कि अकार अ आ, आ आ पूरा, उसके बाद में क वर्ग के पूर्व क में पांचों वर्ग क ख ग घ ण, पांचों वर्ग क वर्ग के और ह के साथ क्या होगा, विसर्ग भी होगा इसका उच्चारण स्थान। इस एक कंठ जो है, कंठ से जो उच्चारण उच्चरित होते हैं वो है अ आ और क वर्ग के पूरे जो वर्ण है वो, और ह और विसर्ग, ये सब किससे उच्चरित होते हैं, ये सब कंठ से उच्चरित होते हैं, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद में तालु, ईचु यशानाम तालु, ईचु यशानाम तालु यानी कि ई ई प्लस च वर्ग, च वर्ग में च छ ज झ यम, यानी कि पांचों शब्द ई और य और श, ये सभी के उच्चारण से क्या होता है, तालु, तालु से होता है, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु से होता है, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद में मूर्धा, ऋटु रसाणाम मूर्धा यानी कि ट र श, इन सभी का उच्चारण स्थान किससे होगा, मूर्धा से होगा, ठीक है ना दोस्तों। अब इसके बाद में चौथा जो है वो दंत वाला है। देखिए दोस्तों, चौथा अपना जो उच्चारण स्थान है उसका नाम है दंत, तो ऋतु लसानाम दंत, यानी कि इसमें र प्लस त वर्ग प्लस अल और प्लस स का उच्चारण स्थान दंत से होता है। इन सभी वर्णों का जो उच्चारण स्थान है उनका वो उच्चारण स्थान किससे होता है, दंत से होता है, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद में कोष्ठ, उपपद्मानिया मोष्टो, उपपद्मानिया मोष्टो यानी कि इसमें क्या है, उ प वर्ग में पांचों प फ ब भ म, ठीक है। उसके बाद में उपद्मानी है कि अर्ध विसर्ग, यानी कि आधा अर्ध विसर्ग प का और अर्ध विसर्ग फ का, इनका उच्चारण किससे होता है, ओष्ट से होता है दोस्तों, ठीक है ना। इसके बाद में नाशिका, यम गणनम नाम नाशिका च, यम गणना नाम नाशिका च, मतलब पांचों जो लास्ट के जो पंचम वर्ण है, जैसे क का पांचवा ड, छ का पांचवा य, प का पांचवा म, है ना, ट का पांचवा ण, है ना, और क थ ग न, ये पंचम का उच्चारण स्थान किससे होता है, नाशिका से होता है। अब इसके बाद में जिभ्या मूल की बात करते हैं हम। देखो दोस्तों, सातवा अपना है वो है जिभ्या मूल, तो जिभ्या मूल का क्या हुआ, जिभ्या मूलेश जिभ्या मूलम, ठीक है ना। इसमें मतलब अर्ध विसर्ग क व अर्ध विसर्ग ख का उच्चारण स्थान किससे होता है, जिभ्या मूल से होता है, ठीक है ना दोस्तों। और इसके बाद में अपना आठवां जो है वो है कंठ और तालु, एक ए तो कंठ तालु, यानी ए प्लस आई का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ और तालु होता है, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद में अपना नवा जो उच्चारण स्थान है वो है कंठोष्ट, यानी कि ओ दो तो कंठोष्टम, यानी ओ और औ का उच्चारण स्थान किससे होता है, कंठ से होता है। अब इसके बाद में दोस्तों हम बकारस्य दंतोष्टम वाला पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, दंतोष्ट का क्या होगा, बकारस्य दंतोष्टम, यानी कि ब का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, दंतुष्ट हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों, दंतुष्ट हो जाएगा, है ना। उसके बाद में नाशिका का उच्चारण क्या होगा, नाशिका अनुस्वारस्य, यानी कि अनुस्वार जो है उसका उच्चारण किससे होता है, नाशिका से होता है, ठीक है ना दोस्तों। ये हमने हमारे लोग सात उच्चारण स्थानों के बारे में जाना है, ठीक है ना दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।